और तो फिर से आज मैं और मामा जी दोनों तैयार हो गए हैं पैरट दीपंकर का एक्सोटिक बर्ड ब्रीडिंग फार्म से कुछ चिक्स हैंड फीडिंग में लेने के लिए। और इससे पहले जो वीडियो बनाया था उस दिन तो एक अफ्रीकन ग्रे का बच्चा और 3 सनकोनियर का चिक्स हम लोगों ने हैंड फीडिंग के लिए लिया था और उस दिन देखा था और दोनों नेस्ट बॉक्स में एक एक करके सनकोनियर का चिक्स था, लेकिन वो सब बहुत छोटा था, मतलब हैंड फीडिंग में लेने का लायक नहीं था, इसलिए उस दिन नहीं लिया था और आज लेंगे। और उसी के साथ आज तो फैजल भाई और उज्ज्वलदा दोनों आए हुए हैं, मतलब आज संडे है, बहुत दिनों से एक साथ वीडियो नहीं बनाया। जितने सारे व्यूअर्स है उज्ज्वलदा और सौरभ और फजल भाई, इन तीनों के साथ कांटेक्ट करते हैं तो एक बार वीडियो में आना चाहिए कि किसके साथ बात हो रहा है। तो इसीलिए और सब मिलके आज पैरट दीपंकर का एक्सोटिक बर्ड ब्रीडिंग फार्म से जो दो सनकोनियर का चिक्स है उन लोगों को लेंगे और मामा जी भी बिल्कुल तैयार है इसके साथ यही सारे चिक्स को। इससे पहले बार भी हर बार हम लोग जब चिक्स निकालते हैं ऐसे मतलब लेते हैं और यहाँ ये जो है वहाँ वो जो एक केज है ब्रीडिंग केज, वहाँ जो नेस्ट बॉक्स बाहर से लगाया हुआ है उनको खोलने के लिए, तो ये जो नेस्ट बॉक्स है उस बार हम लोगों ने चेक किया था यहाँ एक छोटा सा बहुत छोटा सा बेबी था। इस केज को मामा जी ने ऐसे बहुत ही टाइट करके बांध के रखा है क्योंकि यहाँ जो अफ्रीकन ग्रे एक है वो आके बहुत डिस्टर्ब करता है, ये जो ऑब्जर्वेशन गेट है इसको ऐसे काट काट के तो हाल खराब कर दिया है। और एक बार खोल देंगे तो छोटा बेबी अंदर है उसके साथ क्या होगा, मतलब वो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बहुत ही अच्छा मोटा गेज का एक जीआई देके मामा जी इसको बांध के रखा और अभी मैंने पूरा का पूरा काट दिया। मामा जी हमको थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, चढ़ गया ऊपर, अभी बॉक्स ओपन करेंगे और देखेंगे। और उससे पहले फ्लैश लाइट भी ऑन कर लिया और बॉक्स खोला और ये रहा बहुत खूबसूरत सा सनकोनियर का वो चिक, अभी काफी बड़ा हो गया है। इससे पिछले वाला जो वीडियो था तभी तो बहुत ही छोटा था, अभी ये काफी बड़ा हो गया है, अभी एकदम हैंड फीडिंग में लेने का लायक हो गया है, बहुत खूबसूरत है मामा जी। रख दिया है, आइए मामा जी, हो गया। तो वहाँ जो नेस्ट बॉक्स था वहाँ जो एक छोटा सा चिक था काफ़ी बड़ा हो गया है और उसको हम लोगों ने निकल के लेके चला आया, बहुत ही खूबसूरत है। और अभी जाएंगे यहाँ दूसरा वाला, यहाँ जो केज है यहाँ भी एक छोटा सा सनकोनियर था, बहुत ही छोटा बेबी था और उसके बाद से अभी तक तो हम लोगों ने चेक नहीं किया, काफ़ी बड़ा हो चुका होगा शायद, उसको भी बाहर निकल के लेके आएंगे हैंड फीडिंग के लिए। और उससे पहले मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा फजल भाई के बारे में, भाई वो जो डमी है, हाँ डमी, मतलब इससे पहले बार मैंने ये जो मोबाइल है गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी S20 Ultra, ये बहुत अच्छा ऑफर में हम लोगों को मिल गया था, 90,000 का मोबाइल 70 में मिल गया था, 20,000 हमको डिस्काउंट मिल गया था। और इस बार फजल भाई के हाथ में गैलेक्सी S21 Plus 5G, S21 Plus और S21 Ultra, और मतलब तीनों ही आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आप लोग मोबाइल में इंटरेस्टेड है, मतलब मोबाइल आपको पसंद आता है, और मैं तो एकदम पागल हूँ जब कोई नया मॉडल आता है तो मतलब ले नहीं पाता हूँ लेकिन मन करता है, तो ये चीज़ होता है मेरा अंदर। अगर आप लोग भी मोबाइल के बारे में बहुत इंटरेस्टेड है, फजल भाई आपका नंबर शेयर करो, क्या कहूँ, पैरट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एकदम कोरली जुड़े हुए हैं, यहाँ से बहुत सारा डोनेशन मिल जाता है, तो फजल भाई का तो थोड़ा सा प्रमोशन हो जाना चाहिए। सारे व्यूअर्स के पास मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मोबाइल खरीदना है एक्सचेंज करके भी या ऐसे खरीदना है किसी भी मॉडल सैमसंग वीवो ओप्पो कुछ भी वन प्लस सब कुछ मिल जाता है, मोबाइल या एक्सेसरीज वगैरह कुछ भी लेना है तो फजल भाई के साथ इसी नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर खरीदना है तो कहीं से भी आप लोग खरीदेंगे, आप यहाँ से मोबाइल खरीदना मतलब हम लोगों को पैरट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्ट को थोड़ा सा सहायता करना। 9830358656 गैलेक्सी S21 Plus S21 Ultra कुछ भी लेना है या दूसरा कोई भी मॉडल किसी भी ब्रांड का लेना हो तो प्लीज फजल भाई के साथ इसी नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि फजल भाई हर महीना पैरट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कुछ ना कुछ तो सहायता करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। अभी जाएंगे सेकंड केज में और ये जो कॉकाटेल है इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मतलब हैंड फीडिंग करा के हम लोगों ने बड़ा किया था और ये काफी बड़ा हो चुका है और बिल्कुल टेम है, क्या हुआ। और कॉकाटेल के बारे में क्या कहूँ, बहुत खूबसूरत होता है और अंकल जी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है शायद, क्योंकि यहाँ अफ्रीकन ग्रे हाथों से खाना खा रहा है और ये अंकल जी का सर पे बैठ गया है। अच्छा ठीक है, आ जाओ ठीक है, मामा जी आइए, आ जाइए
आगे है दूसरा केज में, फ्लैश लाइट भी ऑन कर लिया और बॉक्स का ऑब्जर्वेशन गेट भी ओपन कर लिया। और इन दोनों के बारे में क्या कहूँ, मतलब रेड फैक्टर जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा कलर का। और ये दोनों तो बिल्कुल हैंडटेन था, छोटे उम्र से इन लोगों को मैंने हैंड फीडिंग करा के बड़ा किया। उसके बाद मेरा ओपन एवियरी में उठते हुए एकदम अच्छे हेल्थ स्वास्थ्य के साथ एडल्ट एज में पहुंचा और उसके बाद जाके ब्रीडिंग में आया। इससे पहले भी एक क्लच कर चुकी है और ये इन लोगों का दूसरा क्लच, लेकिन थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है। थोड़ा सा भी डर नहीं, काटेगा के नहीं, थोड़ा सा देखता हूँ। ये चीक भी एकदम परफेक्ट एज में है हैंड फीडिंग में लेने के लिए, बहुत खूबसूरत है। दोनों अलग अलग पेरेंट का अलग अलग चीक है। इन लोगों का एज थोड़ा ज्यादा हो गया है, अभी इन लोगों को क्लोज रिंग लगाना मुश्किल है। ठीक है, रिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरा ही इस ओपन एवियरी में उड़ते हुए ये लोग बड़ा होगा। और अंकल जी तो कैमरा का पीछे खड़ा था। हाँ अंकल जी, स्माइल नहीं है क्यों मुंह में, क्या हुआ? मामा जी भी शायद कुछ सोच में पड़ गए। और ये रहा इन लोगों का पेरेंट्स। अभी तो सर्दी का मौसम खत्म नहीं हुआ, जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च के अंदर उम्मीद है ये लोग फिर से एक बार ब्रीड में आ जाएगा। इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था तभी तो दिखाया था इन लोगों का नेस्ट बॉक्स से हम लोगों को 3 सैंकोनियर का चिक्स देखने के लिए मिल गया था। और आज आप लोगों को दिखाएंगे वो जो 3 पहले हम लोग निकल के बाहर निकल के इतना दिन हैंड फीडिंग कराया, उन लोगों का स्टेज क्या है, अभी कितना बड़ा हुआ है या कैसा हेल्थ है। और तो आइए मामा जी, आइए मामा जी, आइए। ग्रे पैरट का जो एग्स था, हैच हुआ कि नहीं हुआ एक बार चेक करेंगे। और भी टाइम लगेगा, अभी अभी डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक होगा। वो नेक्स्ट वीक होगा। मामा जी थोड़ा सा सनफ्लावर लाइए, फाइटिंग कर रहा था इसके साथ। देखिए उसके नाक में छिल गया। किसका? इसका। इसके साथ इसका लड़ाई हुआ। हाँ इसका तो नाक में थोड़ा सा छिल भी गया है, इसको अलग रखिए। 2.5 साल का हो रहा है और ये तो अभी मतलब एक साल या 1 साल 2-3 महीना। फिर भी साइज में बड़ा है। हाँ फिर भी फजल भाई उजल्ला आ जाइए दादा। चलिए चलिए, अभी जो प्रॉमिस किया था सारे चिक्स को दिखाएंगे वही दिखाएंगे। आगे है और यहाँ ही सारे चिक्स हम लोग रखते हैं। और ये जो 3 है ये तो और थोड़ा बड़ा एज का हो गया है। और उस दिन बगल का जो सनकोनियर का केस था वहाँ से जो 3 चिक छोटा छोटा बेबी हम लोगों ने बाहर निकल के हैंड फीडिंग के लिए लेके आया था, ये लोग काफ़ी बड़ा हो गया है और बहुत ही नॉटी भी हो गया है। और इन लोगों का हेल्थ के बारे में क्या कहूँ, देखते ही पता चलता है, पेट भर भर के खाता है। दादा देखिए हेल्थ कैसा है, पूरा फेदर आ गया भाई। हाँ पूरा फेदर आ गया, बहुत जल्दी। अफ्रीकन ग्रे के लिए बहुत टाइम लग जाए लगता है। अच्छा फजल भाई वो जो ये है उसको लाओ। और यहाँ देखते देखते हिरणमय भी आ गया है। हिरणमय तो अभी मतलब क्या कहूँ, बुलाने से भी नहीं आता है। वाह देखिए इसका साइज देखिए, उस दिन कैसे था। अच्छा मैं थोड़ा सा हाथों में लेता हूँ और उससे पहले इन लोगों को थोड़ा यहाँ रख देता हूँ। ठीक है बाद में होगा, फिर से जाओ जाओ जाओ। हाँ ये जो है अफ्रीकन ग्रे का बेबी। और इससे पिछले वाला जो वीडियो बनाया था उसका अंदर आप लोगों को दिखाया था, इसका पैर में रिंग भी लगा दिया था। पैरोट दीपंकर 091। हेल्थ के बारे में क्या कहूँ, बहुत अच्छा वाह। हाँ नहीं नहीं एक्चुअली ये तो हमेशा जितना खिलाओगे उतना खाएगा, लेकिन ध्यान रख के कि ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा कम खाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर फीडिंग हो ना जाए इसका बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। दिन में 3 बार की जगह 6 बार खिलाओ, थोड़ा थोड़ा करके हैंड फीडिंग दो, लेकिन एक बार में ओवर फीडिंग मत कराओ। और ये लोग भी काफ़ी बड़ा हो गया है और काले चने जो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह देते हैं वो सब मतलब खाना चालू कर दिया, मतलब पेट भर के खा लेते हैं। ये दोनों भी सेल ब्रीडिंग हो गया है। और ये दोनों है ब्लू पाइनएप्पल कोनियर, एक है सन कोनियर और 2 है जांडिया का बेबी। और इससे आगे जो वीडियो बनेगा इन दोनों को और इन 3 को एक ही साथ में ले जाके हम लोग का ओपन एवियरी में छोड़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ सारे व्यूअर्स को आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया। और तो आज का वीडियो यही खत्म करेंगे, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और एक बार दिखाओ भाई डेमोस्ट्रेशन, मतलब यहाँ रिव्यू चल रहा है S21 Plus, S21 एक नॉर्मल है और S21 Ultra 5G। किसी भी ब्रांड का कोई भी मोबाइल लो प्राइस से लेके हाई प्राइस तक सारे के सारे मोबाइल का एक्सेसरीज, स्लिप कवर से लेके स्क्रीन प्रोटेक्टर से लेके चार्जर वगैरह जो कुछ भी एक्सेसरीज आता है, पैरट दीपंकर का नाम लेके आप अगर खरीदेंगे तो स्पेशल डिस्काउंट कुछ मिल सकता है भाई। हाँ, मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा स्पेशल ऑफर। मार्केट में जो मिलेगा उससे
एक 200 भी कम कुछ तो कम होगा, हो गया बोलना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स से उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप चैनल में नए हैं तो नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ दबाइए जोर से दबाइए, और उसके बाद देखिएगा बगल में एक बेल आइकन अपीयर हो जाएगा वहाँ भी दबाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग ऐसे कोई मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब में अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल या कंप्यूटर में पहुंच जाएगा। तो थैंक यू सो मच फजल भाई। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। মোটামুটি 600-700 পড়ানো কে লি দাদাজি বহুত কোশিশ কর রে মানে খরিদ কে দিয়া থা বুকস আর কম্বল বগেরা কুছ দিয়া থা সাল पास भी हुआ है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी की बात है पोता एकदम सही से पढ़ के सक्सेस कर रहा है। बारी 14 में हुआ। आइए अंकिल जी, आइए आइए। अच्छा बिस्किट्स का पैकेट नहीं था ना? नहीं। अच्छा ठीक है जी अंकिल जी। পড়তে বলবেন আর ওকে তো নিয়ে আসতে পারতেন। নিয়েছিলাম তো। और एक्चुअली ऐसे बहुत सारा परिवार है, तो भाई आपका और सौरभ भाई के लिए एक व्हील चेयर का बंदोबस्त। मम्मी नहीं रुका, मम्मी ने चलो ने मैं होने के उन्हें एक्चुअली আমরা কিছু জানো মাসি মাসি জানো এটা নিশ্চয়ই আমার জন্য হ্যাঁ নিশ্চয়ই ওনারা জানো আমাদেরকে একটু বাঁচা।